इस राष्ट्र की, इस भारत की, इस अजनाब खंड जम्बू द्वीप भारत वर्ष की जो मातृ शक्ति है माँ मदालसा, कभी आपने वो कथा सुनी होगी, महाभारत का प्रसंग है। माँ मदालसा विवाह करने के लिए मना करती है, पिता ने कहा बेटी बड़ी होगी, विवाह के योग्य, विवाह तो करना पड़ेगा, नहीं मुझे भजन करना है, मुझे उस परम तत्व को जानना है, मुझे उस ईश्वर ईश्वरी शक्ति को जानना है, मुझे अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना है। पिता ने कहा विवाह तो करना पड़ेगा, उन्होंने कहा ठीक एक शर्त पर विवाह करूंगी। विवाह हुआ, संकल्प किया भारत की, अपनी मैं माताओं से निवेदन करूं, भाई बहन आपसे निवेदन करूं, अपनी शक्ति को देखो, अपनी अहमियत को जानो। माताओं से निवेदन है कि आप कमजोर नहीं है, असहाय नहीं है। भारत की नारी हो माँ मदालसा, विवाह के पूर्व में संकल्प करती है कि मैं मदालसा संकल्प लेती हूँ, मेरे गर्भ से लेने जन्म लेने वाला हर एक बालक मुक्त पुरुष ही पैदा होगा। अब भारत की नारी का संकल्प कितना दृढ़ है। एक देश की राष्ट्र की नारी कहती है, भारत की माँ कहती है कि मैं मदालसा आज प्रतिज्ञा करती हूँ, संकल्प लेती हूँ। प्रतिज्ञा और करनी पड़ेगी, जब तक स्वयं को संकल्प में नहीं बांधोगे तब तक जीवन का विकल्प नहीं मिलेगा। मदालसा ने संकल्प किया, मैं जन्म तो दूंगी संतान को लेकिन मुक्त पुरुष को जन्म दूंगी, इस गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो जन्म लेते ही मुक्त हो जाएगा। और उस भारत की नारी ने करके दिखाया। आत्मबल किसे कहते हैं, आत्मशक्ति किसे कहते हैं, मातृशक्ति किसे कहते हैं? और आप कहोगे कि मुक्त कैसे हुआ, एक साधारण स्त्री बच्चे को जन्म देकर उसे मुक्त कैसे कर सकती है? उस भारत की नारी मदालसा ने सबको मुक्त किया। बालक का जन्म हुआ, बच्चे को गोदी में लिया, माँ नोरी सुनाती ना, हमारे तो पाड़ी की सुना ओले, तो माँ मदालसा लोरी सुनाती है और उस लोरी में भी वेदांत के सूत्र सुनाती है महाराज, उसमें भी वेदांत के गीत गाती है। भाई बहन मदालसा वो गोदी में लेकर बच्चे को सुला रही है और सुलाते हुए वेदांत के सूत्र पढ़ रहे हैं। बच्चे को बोध करती है, बच्चे को नहीं कहती तू मेरा है मैं तेरी हूं, मेरा लाडला बच्चा ये वो नहीं कहती। माँ मदालसा कहती है बेटा तू मेरा नहीं है, तू तो उस चेतन ब्रह्म का है, तू तो उस परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए तू शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य है, तू आत्म स्वरूप में तू परमात्मा का स्वरूप है, खुद को जान, उठ जाग, स्वप्न के समान इस संसार का त्याग कर वन जा और वन जा करके भगवान अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए मुक्त हो जा। ये भारत की माँ कहती है मदालसा। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।